आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम मेटलर्जी एंड इट इज व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसे चूज करना है। एंड द स्टेटमेंट्स आर कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड। सेकंड स्टेटमेंट इज कास्ट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। थर्ड इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेलाशाइट इज CuOH2.2CuCO3। लास्ट ऑप्शन इज स्कूपुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ Ag एंड Au। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से डिस्कशन करते हैं, देखते हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो जो कॉपर ओर है CuFeS2, इसका जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं मॉडर्न रिवर्बरेटरी फरेंस में तो हमें मेट मिलता है। क्या मिलता है? मेट। आफ्टर रोस्टिंग वी गेट मेट। मेट क्या होता है? 98% Cu2S एंड 2% FeS। ठीक है, इसका कंपोजिशन ये होता है मेट का। फिर इस मेट को हम लोग जो है इसका मेट का जो है बेसमराइजेशन करते हैं, इसे बेसमर कन्वर्टर में डालते हैं। तो देखिए, जो FeS है वो सबसे पहले O2 से रिएक्ट करता है और FeO का फॉर्मेशन कर देता है। अ स्मॉल अमाउंट में FeO का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमें FeO मिला वो जो है SiO2 हम लोग डाल देते हैं, फ्लक्स डाल देते हैं, ये हमारा हो गया फ्लक्स। तो FeO से रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है FeCl FeSiO3। और ये जो स्लैग है वो काफी स्मॉल अमाउंट में बनेगा क्योंकि FeO जो है वो स्मॉल अमाउंट में था। फिर देखिए, जो हमारा 98% Cu2S था, तो जो Cu2S है उसका हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? याद ध्यान रखेंगे, पार्शियल रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, पार्शियल रोस्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Cu2O + SO2। तो हम लोग जब पार्शियल रोस्टिंग किया है हमने, तो हमें कुछ CuS जो है वो रिमेनिंग होगा। तो ये जो CuS जो रिमेनिंग है वो फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन में, इसे ऊपर वाले रिएक्शन में जो Cu2O मिला उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे Cu2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ये जो सल्फर का ऑक्सीडेशन रेशियो क्या होगा? -2। ठीक है, तो ये जो है रिएक्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर और हमें कॉपर देगा। क्या देगा? कॉपर का फॉर्मेशन होगा, कॉपर जो है हमें मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? इम्प्योर कॉपर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और कॉपर मिल जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे बोला गया था कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन हुआ है कॉपर का। पार्शियल रोस्टिंग के बाद देखिए, यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो है सेल्फ रिडक्शन से हुआ, तो ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दैट इज, ए स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज कास्ट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो कास्ट आयरन, और देखिए कास्ट आयरन में जो है इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कितना होता है? कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज का परसेंटेज होता है वो 2-5% होता है। ठीक है, 2-5%। और वही रॉट आयरन में जो है 0.5% होता है। कितना? 0.5% इम्प्योरिटीज होती है, मेनली कार्बन इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो देखिए जो रॉट आयरन है उसमें परसेंटेज इम्प्योरिटीज कम है तो ये ज्यादा प्योर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बी वो इनकरेक्ट है। ठीक है, बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज रॉट आयरन इज मोर प्योर देन कास्ट आयरन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेलासाइट ओर इज CuOH2.2CuCO3। ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो मेलासाइट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuOH2.CuCO3, दैट इज हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का जो रेशियो वो 1:1 होगा। लेकिन एजुराइट जो होता है, एजुराइट में रेशियो 1:2 होगा। ये जो फॉर्मूला दिया गया है हमें एजुराइट का, ना कि मेलासाइट का, तो हमारा ऑप्शन सी भी जो है वो इनकरेक्ट है। जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा क्यूपुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ Ag एंड Au। तो क्यूपुलेशन में हम लोग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल है, जो इम्प्योर मेटल होगा जिसमें कि मेटल इम्प्योरिटीज होंगी, एथ मेटल इम्प्योरिटीज, जिसका इम्प्योर मेटल कौन है? जिसका हमें क्यूपुलेशन करेंगे यहाँ पे विथ मेटल इम्प्योरिटीज। तो वैसे इसमें हम लोग क्यूपुलेशन उनके लिए यूज करते हैं जिनका जो है डिफरेंट ऑक्सीजन एफिनिटी होता है। क्या होगा? जो मेटल होगा और मेटल इम्प्योरिटीज जो होंगी उनकी डिफरेंट ऑक्सीजन एफिनिटी होगी, डिफरेंट ऑक्सीजन एफिनिटी। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा Ag एंड Pb का जो मिक्सचर होगा। Ag जो है हमारा इम्प्योर मेटल होगा यहाँ पे विथ इम्प्योरिटीज ऑफ Pb। तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 300°C, किसमें हीट करते हैं हम लोग? Ca3PO4 होल थ्वाइस का एक डिस लेते हैं उसमें। किसका? Ca3PO4 होल थ्वाइस, एक बोट शेप डिस लेते हैं जो कि Ca3PO4 होल थ्वाइस का बना हुआ था। तो उसमें जब हम लोग Ag और Pb का हीटिंग करते हैं तो हमें PbO जो मिलता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, वो मैसिकॉट जो होता है, येलो इन कलर होगा। ये जो है वोलेटाइल इन नेचर की वजह से जो है ये निकल जाएगा यहाँ से और हमें Ag जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग जो है Au का भी
जो है वो प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो रिफाइनिंग मेथड जो है ये सही है कि हम लोग एजी और एयू के लिए करते हैं। तो डी इज ऑल्सो, डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखिए मैं क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थे, बी एंड सी आर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।